22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक पत्रिका में लिखे लेख में कई बातों का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने ये लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम ने चुना है। इस लेख में लालकृष्ण आडवाणी ने खुद को राम मंदिर आंदोलन का एक सारथी बताया। लालकृष्ण आडवाणी ने ये भी लिखा है कि जब उन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की थी तब नरेंद्र मोदी उनके सहयोगी थे, लेकिन लगता है कि राम ने अपने भक्त को उसी वक्त मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। लालकृष्ण आडवाणी ने ये भी लिखा कि नियति ने तय कर लिया था कि अयोध्या में राम का मंदिर अवश्य बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब वो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे, और साथ ही ये भी कहा कि मेरी प्रार्थना है कि ये मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, जो राम मंदिर आंदोलन के एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में हमेशा से जाने जाते रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस लेख में जिक्र किया है कि जब वो उस आंदोलन के उनके सहयोगी रहे, उस वक्त रथ यात्रा जब निकाली जा रही थी तब राम जी ने उन्हें चुन लिया था। और लालकृष्ण आडवाणी ने एक पत्रिका में लिखे लेख में राम मंदिर आंदोलन को लेकर कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने इस इंटरव्यू में राम मंदिर आंदोलन के लिए 33 साल पहले निकाली गई रथ यात्रा की चर्चा की। अब आपको बताते हैं और क्या जानकारी इसमें दी गई है। लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या आंदोलन को अपनी राजनीतिक यात्रा का सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना बताया। उन्होंने लिखा कि रथ यात्रा के समय मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी सहयोगी की तरह मेरे साथ रहे। उन्होंने लेख में ये भी लिखा कि लगता है कि उसी वक्त प्रभु श्री राम ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपने भक्त मोदी को चुन लिया था। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करेंगे, और इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और ये कहा कि आज उनकी कमी खल रही है। उधर मॉरिशस में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का असर देखने को मिल रहा है। मॉरिशस की सरकार ने हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। 22 जनवरी को मॉरिशस में काम करने वाले हिंदू धर्म से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस लिहाज से भी बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी अगर वो कहीं बाहर भी रहते हैं तो अब दूसरी सरकारें भी ये समझ रही है कि श्री राम का मंदिर बनना हर हिंदू के लिए, हिंदुस्तानी के लिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए मॉरिशस की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 2 घंटे की ब्रेक, जो छुट्टी है वो यहाँ पर दी जाएगी।